तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में बात की थी और उसका एक इक्वेशन हमने डिराइव किया था। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन क्या होता है, टी इज इक्वल टू, ये हमें पता है, टू पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी, जहाँ पे जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल होता है दोस्तों लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके दोस्तों आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है दोस्तों सेकेंड्स पेंडुलम। तो सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, तो सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, देखिए दोस्तों, अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स इज कॉल्ड एज सेकेंड्स पेंडुलम। मतलब ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड जो है 2 सेकेंड होता है उसको हम सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं। मतलब ये एक सिंपल पेंडुलम में मान लेते हैं, इसका टाइम पीरियड जो है अगर 2 सेकेंड होता है तो इसको हम सेकेंड्स पेंडुलम बोल सकते हैं। टाइम पीरियड 2 सेकेंड, मतलब ये जो बॉब है या फिर मास है, इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए जो टाइम लगता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, उसको हम उस टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको अगर 2 सेकेंड लगते हैं तो ये सेकेंड्स पेंडुलम है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पुट करते हैं हम दोस्तों, क्या होगा, देखिए टी इज इक्वल टू अगर 2 सेकेंड्स पुट करेंगे तो 2 will be equal to वॉट, 2 पाई इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एल बाई जी मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 is equal to pi इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एल बाई जी मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये स्क्वेयर रूट को हटाना है तो दोनों साइड का हमें स्क्वेयर करना होगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वेयर क्या होगा, 1, इसका स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करने पर ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये होगा एल बाई जी। तो यहाँ से दोस्तों सेकेंड्स पेंडुलम की जो लेंथ है उसका इक्वेशन हमें मिल जाएगा, वो इक्वेशन क्या होगा, आपको जी और पाई स्क्वायर को इधर भेजना होगा, देयरफॉर अगर जी इधर जाता है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और पाई स्क्वायर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, और इधर बचेगा सिर्फ एल। ठीक है, तो एल के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर जी डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ पता है, अगर ट्रायल एंड एरर से आपने लेंथ पता कर ली है, तो उस जगह की आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता कर सकते हो ये फॉर्मूले का यूज़ करके। और अगर आपको जी की वैल्यू पता है तो आप लेंथ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल है आपकी एक्सरसाइज के अंदर, देखिए एग्जांपल नंबर 15। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों पेज नंबर, देखिए 130 के ऊपर एग्जांपल नंबर 15। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जी की वैल्यू अगर चेंज होती है तो आपको लेंथ का जो चेंज है वो निकालना है। तो अगर देखिए जी की पहले वैल्यू थी, हम एज्यूम करते हैं अगर G1 है ये 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस टाइम पे जो लेंथ थी हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे वो L1 थी। ठीक है, अब जी की वैल्यू चेंज हो रही है G1 से G2, कितनी हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रही है। उस टाइम जो लेंथ है उसको हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे L2। ठीक है, तो अगर जी की वैल्यू यहाँ से यहाँ चेंज हो रही है तो लेंथ कितनी चेंज हो रही है ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पर L2 माइनस L1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो L के लिए तो फॉर्मूला बना हुआ है दोस्तों, तो L2 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए L2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, G2 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, G2 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। और L1 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, L1 के लिए फॉर्मूला बनेगा G1 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड्स पेंडुलम है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है L2 माइनस L1। तो L2 माइनस L1 फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए G2 अपॉन पाई, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था पाई स्क्वायर, माइनस G1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना होगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम नीचे पाई स्क्वायर लिखते हैं और ऊपर G2 की वैल्यू कितनी, 9.8 माइनस 9.75। ठीक है, सो 9.8 माइनस 9.75 ये होता है दोस्तों 0.05 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे हम यहाँ पे, सो 3.14 का स्क्वायर। तो अगर दोस्तों इसको आप लॉग टेबल का यूज़ करके अगर सॉल्व करोगे तो L2 माइनस L1 आपको मिलेगा यहाँ पर 0.0049। ठीक है, तो ये अगर मीटर में है यहाँ पर तो ये आंसर भी मीटर में होगा। सो L2 माइनस L1 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 0.0049 मीटर। ठीक है, मतलब लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ होगी, आपके टेक्स्ट बुक में देखिए यहाँ पर डिक्रीज़ होगी ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ देखिए इंक्रीज़ होगी लेंथ। जी की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो लेंथ भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जी की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो लेंथ तो जाहिर है यहाँ पर इंक्रीज़ होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए पेज नंबर 123 के ऊपर एग्जांपल नंबर 5.10। सबसे पहले रीड करना होगा आपको, देखिए क्या है एग्जांपल, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 10% व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगर लेंथ 21 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ हो जाती है तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 10% से इंक्रीज़ होता है, ये आपको दिया हुआ है। अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ 21 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ होती है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 10% से इंक्रीज़ होता है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं दोस्तों इनिशियल लेंथ जो है, इनिशियल लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम की उसको हम एज्यूम करते हैं एल, और इनिशियल पीरियड जो है, इनिशियल टाइम पीरियड जो है उसको हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं टी। ठीक है,
अगर दोस्तों लेंथ 21 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ की जाए, मतलब न्यू लेंथ अगर यहाँ पर मिल रही है आपको, न्यू लेंथ को हम यहाँ पे L1 एज्यूम करेंगे, न्यू लेंथ L1 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, L प्लस 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा दोस्तों, 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.21 मीटर, ठीक है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 0.21 मीटर। तो न्यू लेंथ अगर इतनी होती है दोस्तों, इनिशियल लेंथ से 21 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है, तो जो न्यू पीरियड है, न्यू पीरियड T1 बोलेंगे हम, वो 10% से इंक्रीज़ होता है। तो इस वैल्यू में अगर 10% से इंक्रीज़ हो जाएगी ये वैल्यू, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पर? तो आपको लिखना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसका 10% इंक्रीज़ मतलब 1.1 T लिखना होगा आपको, ठीक है। ये कैसे आया दोस्तों, अगर मान लेते हैं आपके पास 100 रुपीज़ है और आपके पास जो पैसे हैं वो 10% से इंक्रीज़ हो गए, तो आपके पास कितने रुपये आ गए? आपके पास आ गए 110। इफ़ दिस वैल्यू इंक्रीज बाय 10%, द वैल्यू विल बिकम वॉट, 110, ठीक है। तो आपने इस 100 को क्या किया, यहाँ पर 1.1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 110 हो जाएगा। एक और तरीका है इसको निकालने का, 10% से इंक्रीज़ हो जाएगी मतलब ये वैल्यू प्लस इसकी 10% ना, इसकी 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए 1/10 t मतलब t प्लस 0.1 t इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे क्या होगा, ये 1.1 t हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी वैल्यू 10% से इंक्रीज़ होती है तो 1.1 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 20% से इंक्रीज़ होती है तो आपको 1.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 30% से इंक्रीज़ होती है तो 1.3 से मल्टीप्लाई कीजिए उसको, ठीक है। तो ये पीरियड 10% से इंक्रीज़ हो रहा है मतलब 1.1 t हो रहा है न्यू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन आपको पता है दोस्तों, टाइम पीरियड इज इक्वल टू वॉट, 2π ✕√L/g होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ओके। और T1 और L1 के बीच का इक्वेशन होगा, यहाँ पर देखिए T1 इज इक्वल टू 2π ✕√ क्या होगा यहाँ पर, L1/g होगा, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों टी और एल, तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या होगा, T1 डिवाइडेड बाई टी मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2π ✕√L/g होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा, 2π ✕√L/g होगा, यहाँ से 2π कैंसिल होगा। दोस्तों T1 के लिए जो वैल्यू है और L1 के लिए जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करनी होगी आपको, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों T1 इज इक्वल टू क्या है, 1.1 t, सो 1.1 t डिवाइडेड बाई ये होगा t, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, L1 इज इक्वल टू वॉट, L+0.21, सो L+0.21 मीटर डिवाइडेड बाई यहाँ पर होगा जी, यहाँ पे ये √L/g हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट हटाना है तो आपको क्या करना होगा, दोनों साइड का स्क्वायर करना होगा, सो 1.1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1.21 होता है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा L+0.21/g होगा ये, डिवाइडेड बाय L/g, यहाँ से दोस्तों जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 एज्यूम करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, देखिए ये 1.21 L इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, L+0.21, ठीक है। तो अगर ये L इधर जाता है, 1.21 L - 1 L, मतलब 0.21 L इज इक्वल टू 0.21, मतलब L आपको मिल रहा है यहाँ से 1, ठीक है। 1 क्या होगा दोस्तों, आपने यहाँ पे ये मीटर में कन्वर्ट किया है, जी भी मीटर में 9.8 m/s², यहाँ पे वैल्यू तो हमने खैर पुट नहीं किया है, लेकिन ये तो मीटर में, तो ये लेंथ जो है ये 1 मीटर में हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल लेंथ 1 मीटर थी उस पेंडुलम की, जो सिंपल पेंडुलम है उसकी इनिशियल लेंथ 1 मीटर थी, एक तो आंसर आपको मिल गया है यहाँ पे। अब आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों टाइम पीरियड, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये लेंथ की वैल्यू इसमें पुट करनी है, यहाँ पे जी इज इक्वल टू 9.8 पुट करना है, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करनी है और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आप अपने आप से कर लीजिए, इसका फाइनल आंसर मिल रहा है, क्रॉस चेक करिए आप, ये जो टाइम पीरियड मिल रहा है ये 2.006 सेकेंड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करिए सिर्फ, ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। अब एक और एग्जांपल है दोस्तों, देखिए पेज नंबर 124 के ऊपर एग्जांपल 5.11, ये भी बहुत आसान एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छे से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ओके। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के और, जो है एक्सरसाइज के अंदर एग्जांपल नंबर 13। तो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों एक कंसेप्ट हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो अगर कोई भी पार्टिकल SHM कर रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल पेंडुलम का जो मास है, ये बॉब है, ये SHM कर रहा है, जैसे कि हम ये देख चुके हैं ये मास भी SHM कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये अगर एम्पलीट्यूड है यहाँ पर, ठीक है, और अगर ये पार्टिकल ने अपनी मोशन मेन पोजीशन से स्टार्ट की है, तो x इज इक्वल टू A sin ωt, कुछ इस तरीके से हम इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी टाइम पे आपको इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मेन पोजीशन से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका पता चल सकता है ये इक्वेशन को यूज़ करके, ठीक है। या फिर अगर आपको x दिया गया है, मतलब यहाँ से आपको उसकी उसका डिस्टेंस दिया गया है, तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हो उसको, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो लगने वाला टाइम है वो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो कुछ इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर देखिए 13 पेज नंबर 130 के ऊपर।
अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स SHM ऑफ पीरियड 4 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है दोस्तों जो SHM परफॉर्म कर रहा है और जिसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 4 सेकेंड्स। यहाँ पे इस इक्वेशन में ओमेगा क्या होता है दोस्तों, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो कि हम 2π/T ये फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आप ओमेगा आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है दोस्तों, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद, मतलब पार्टिकल मेन पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। मेन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद क्या पूछा है देखिए, विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब मतलब एक्स बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। एक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद, मेन पोजीशन को क्रॉस करने के कितने टाइम के बाद एक्स इज इक्वल टू 1/3 a होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन में आपको एक्स दिया हुआ है, आपको टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। मेन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद कितने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए बाई थ्री होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, देखिए 1/3 a, सो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/3 a मतलब a बाई थ्री इज इक्वल टू a इंटू साइन। ओमेगा क्या होता है दोस्तों, ओमेगा होता है 2π/T, टी ऑलरेडी आपको पता है, टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स है, ठीक है, इंटू ये टाइम टी, आपको ये टी फाइंड आउट करना है। बाकी की जो चीज़ें वो आपको पता है, यहाँ से दोस्तों एम्पलीट्यूड से ये एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाएगी, अननोन कुछ बचेगा ही नहीं, अननोन सिर्फ एक बचेगा जो कि आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 1/3 हो जाएगा इज इक्वल टू साइन, ये यहाँ से π/2t हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर टी फाइंड आउट करना है दोस्तों आपको, तो ये साइन को इधर भेजना होगा, तो साइन अगर इधर जाएगा तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा। सो देयरफॉर साइन इन्वर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू π/2t। तो साइन इन्वर्स ऑफ 1/3 मतलब क्या दोस्तों, देयरफॉर साइन इन्वर्स ऑफ 1/3 मतलब 0.3333 बोल सकते हो आप, ठीक है, इज इक्वल टू π/2t। ओके, अब साइन इन्वर्स ऑफ 0.3333 ये वैल्यू आपको लॉग टेबल से देखनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये नेचुरल साइंस जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेचुरल साइंस का टेबल आपको देखना होगा और यहाँ पर आपको 0.3333 ये ढूंढना होगा। तो देखिए दोस्तों, 0. यहाँ पे देखिए ये 3256 है, यहाँ पे देखिए 3305 है, 3322 ये आपको मिल चुका है, मतलब 19 डिग्रीज, और यहाँ पर डिग्रीज में लिखेंगे हम, ये मिनट्स वगैरह नहीं लेंगे, यहाँ पे 0.4 डिग्रीज मतलब 19.4 डिग्रीज तो है, यहाँ पर देखिए ये 19.4 डिग्रीज तो है, लेकिन ये 3333 नहीं, इसमें कुछ तो ऐड करना होगा आपको, 11 ऐड करना होगा। तो 11 कहाँ पर है, 11 यहाँ है, ठीक है, जो कि 4 मिनट्स कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 24 मिनट्स है, यहाँ पर ये 30 मिनट्स है, तो 24 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स मतलब कितना होगा, 28 मिनट्स होगा ना। तो 19 डिग्रीज 28 मिनट्स अगर लिखते हो आप यहाँ पर, 19 डिग्री 28 मिनट्स, तो कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो आप बेहतर है यहाँ पर डिग्रीज़ में लिखो। तो यहाँ पर कितनी डिग्रीज ऐड करनी होंगी, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 19 डिग्रीज है, 0.4 मतलब 19.4 डिग्रीज तो है, और 4 मिनट्स, अगर ये 30 होता तो 0.5 हो जाता, हमारा 28 मिनट्स है, तो आप अप्रोक्सीमेट 0.5 लिया तो भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एज्यूम करेंगे ये 19.5 डिग्रीज है, ऐसे एज्यूम करेंगे, या फिर आप 19.4647 भी ले सकते हो, इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर π/2t हो जाएगा। दोस्तों ये तो डिग्रीज में आया है आंसर, यहाँ पे पाए मतलब ये रेडियन में, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा, पाए रेडियन मतलब 180 डिग्रीज होता है, तो ये होगा 19.5 इज इक्वल टू ये 180/2t हो जाएगा, ठीक है। सो ये होगा देखिए 19.5 इज इक्वल टू 90t, तो यहाँ से दोस्तों टी की वैल्यू आपको मिलेगी 19.5/90, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये टाइम का जो आंसर मिल रहा है आपको यहाँ पर देखिए 20.2166 मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही करीब है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब हमें दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ना है, उससे पहले दोस्तों एक कंसेप्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, तो जब ये पेंडुलम इस पोजीशन पे जाता है तो यहाँ पे दोस्तों जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगता है ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है दोस्तों, ये mgx/L इतना होता है ना, माइनस ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करनी है तो mgx/L भी ले सकते हो। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा दोस्तों, mgx/L, जहाँ पे m होगा इसका मास, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, x मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से, और l मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे l मतलब ये लेंथ होगी, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर देखिए 14, पेज नंबर 130 के ऊपर। सबसे पहले रीड करना होगा एग्जांपल, देखिए दोस्तों क्या, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, लेंथ आपको दी गई है दोस्तों यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, तो इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करना होगा आपको मीटर में, सो 100 × 10^-2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। परफॉर्म्स SHM, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स
एक्टिंग ऑन इट्स वॉक ऑफ मास 50 ग्राम, तो आपको यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, mgx/L, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे मास दिया गया है। सो मास ऑफ दैट बॉब इज 50 ग्राम्स, मास इज गिवन 50 ग्राम्स। तो इसको पहले के जी में कन्वर्ट करते हैं। सो 50 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। वेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन इज 3 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी गई है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं 3 × 10⁻²⁺ मीटर में। अब दोस्तों ये फॉर्मूला जो है रिस्टोरिंग फोर्स का, इसमें आपको m मालूम होना चाहिए, x मालूम होना चाहिए, l मालूम होना चाहिए, जो कि वैल्यूज आपको दी गई हैं। g आपको यहाँ पे एज्यूम करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एग्जाम में दिया जाएगा आपको। तो सिंपली आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर f इज इक्वल टू m की वैल्यू है 50 × 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू एक्स की वैल्यू जो है वो 3 × 10⁻²⁺ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो है एल, एल मतलब 100 × 10⁻²। ये 10⁻², 10⁻², कैंसिल हो जाएगा 50 × 3, ये हो जाएगा 150 × 10⁻³ इंटू ये 9.8 डिवाइडेड बाई होगा यहाँ पर ये 100, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये देखिए ये ज़ीरो, ये ज़ीरो तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली देखिए 15 × 9.8 आपको करना होगा यहाँ पर, 15 × 9.8 आ रहा है यहाँ पे 147 डिवाइडेड बाई ये जो 10 है उसको ऐसे रखते हैं × 10⁻³। अगर 147 को आप 10 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, 14.7 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 14.7 × 10⁻³ हो जाएगा। तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे थे दोस्तों, आप फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे। फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, क्योंकि ये जो है हमने सब SI यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा SI सिस्टम में। तो फाइनल आंसर है दोस्तों 14.7 × 10⁻³। आपका जो टेक्सट बुक है वहाँ पर देखिए ये 1.48 × 10⁻² न्यूटन आया हुआ आंसर। तो ये भी करेक्ट है हमारा, ठीक है, ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।